मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विदिशा में जश्न का माहौल है। शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। विदिशा बीजेपी नेता का कहना है कि केंद्र में शिवराज सिंह चौहान के मंत्री बनाए जाने से विदिशा जिले को बहुत फायदा होगा, यानी विदिशा का विकास होगा। इस वजह से विदिशावासी खुश हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उनके चहेते शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर अब मोदी मंत्रिमंडल में वे नजर आएंगे। तो विभाग जो है वो भी जल्द ही वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। माना जा रहा है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों में उत्साह है, ढोल नगाड़े, और आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा, बीजेपी के कार्यकर्ता और विदिशावासी खुश हैं। वजह है शिवराज सिंह चौहान, उनके चहेते नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा विदिशावासियों को मिलने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में। शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दर्जा मिला। तब से लेकर आज तक विदिशा के गृह जिले में उनको जश्न का माहौल है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां मांग रहे हैं। मेरे साथ इधर कुछ भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेता मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह का जश्न विदिशा में मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह चौहान, भाजपा दौरानगर मंडल का मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, और विदिशा जिला केंद्र पर सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश है और कल रात से लेके अभी तक जश्न का माहौल है। आप सब जगह आप देख सकते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हैं कि उन्हें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, और निश्चित ही पूरे देश को उनके अनुभव का लाभ प्राप्त होने वाला है। यहाँ मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम जानते हैं, आप अपना अनुभव साझा करिए किस तरह के नेता है शिवराज जी और किस तरह का माहौल है जश्न का। जश्न का माहौल कल रात से ही चालू है पूरे विदिशा में, पूरे विदिशा लोकसभा में। शिवराज जी के बारे में जितना कहे उतना कम है। अब विदिशा को भी बड़ा दर्जा मिलेगा? विदिशा भी बिल्कुल, विदिशा को भी बड़ा दर्जा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नाम है शिवराज जी का। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसके लिए। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा शिवराज जी का। तो शिवराज जी को बड़ा शिवराज जी का लाभ विदिशा को मिलेगा। कितनी उम्मीदें हैं अब विदिशा सबसे तो विकास? पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो हमारे वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्रीय मंत्री बनाने का आभार व्यक्त करता हूं, और काफी खुशी की बात है। शिवराज जी जो है एक ऐसे नेता है, वो विदिशा में कहीं भी जाए, विदिशा का कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो उनसे गले मिलके बात कर सकता है। कभी कोई कमांडो दूर नहीं कर सकता उन्हें, बिल्कुल फेस टू फेस मिलने की अनुमति होती है, वो कभी किसी को जुदा नहीं समझते। यही कारण है जीत का सबसे बड़ी जी, सबसे बड़ी जीत हुई है शिवराज जी। हाँ, देश में सबसे बड़ी जीत हुई है शिवराज जी की। और शिवराज जी को विदिशा से जैसे ही टिकट हुआ था तो विदिशा में उसी समय से मतलब खुशी का माहौल रहा है, और जितनी बार जैसे मंत्री मोदी जी ने मंत्री बनाया तो अभी खुशी मतलब जाहिर की, लोगों ने मिठाई बांटी, पटाखे बांटे, और अब जो शिवराज जी ने घोषणा की थी विदिशा में पूरी होने की पूरी उम्मीद है। मैं सीएम हाउस में मौजूद था। यहाँ कुछ नेता हैं जो शिवराज सिंह चौहान के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न रात भर में चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 बार सांसद रह चुके हैं, 6वीं बार शपथ ली है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान पहली बार संभालेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी।